सत श्री अकाल, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हम पोंचे का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। हमने सलवार के साथ जो बुकम को अटैच कर लिया है और दोनों तरफ दो दो लाइनें स्क्रोल की बना ली हैं, और ये हमारा 2.25 इंच चौड़ा पोंचा है। हम पोंचे को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे बराबर करके सेंटर में जो है यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं और हम यहाँ पर निशान लगाए हैं अपनी तरफ, यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। नीचे की तरफ निशान लगाने हैं और यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को उस निशान से मिला देते हैं, ऐसे तिरछी जो है लाइन लगा लेते हैं, और इधर भी हम ऐसे ही तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब हम पोंचे बनाते हैं, हम यहाँ पर स्क्रोल डालेंगे, जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक हमने स्क्रोल बनाने हैं। अब यहाँ हमने जो निशान लगाए हैं यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, ऐसे पूरे निशान में सिलाई लगा लेते हैं। अब सीधे है स्क्रोल लगा लेते हैं। अब फिर वापस जाते हैं, जब हमने स्क्रोल लगाए हैं इसके साथ ही हम स्क्रोल जो है वो लगा लेते हैं। और जो हमने जो सिलाई लगाई है या इसके साथ ही हम जो है वो स्क्रोल बना लेंगे, इसके पास हम स्क्रोल लगा लेते हैं। और फिर वापस आकर हम सीधे यहाँ पर जो है वो स्क्रोल बना लेते हैं। और फिर वापस आ जाते हैं और फिर हम स्क्रोल लगाएंगे। यहाँ ये पूरी जगह हमें स्क्रोल से भर देनी है, ये खाली जगह को हम स्क्रोल से भर देंगे। ये हमने स्क्रोल लगा लिए हैं, अब हम दूसरी तरफ जाएंगे इधर, और यहाँ पर हम स्क्रोल लगाते हैं पहले। अब हम लाइन के पास ही ऐसे नीचे तक जो है स्क्रोल बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर अंदर डिजाइन डालेंगे, हम यहाँ पर पत्ती की शेप में जो है वो सिलाई लगाएंगे। हम निशान लगा कर बता देते हैं, ऐसे गोलाई में पत्ते की शेप में वो निशान लगाए, ऐसे हमने सिलाई लगानी है। और दूसरी तरफ भी हमने यहाँ भी ऐसे ही पत्ते की शेप में निशान लगा लेते हैं, यहाँ हमारी सिलाई लगनी चाहिए। यहाँ हम नीचे से ऐसे पत्ती की शेप में सिलाई लगा देते हैं, और यहाँ से वापस आकर फिर हम ऐसे ही पत्ती शेप में यहाँ सिलाई से मिला देंगे नीचे। हमने यहाँ दो पत्तियाँ बन गई हैं, इधर हम ऐसे ही जो निशान लगाए हैं ऐसे ऊपर तक पत्ती बना देते हैं। और फिर से यहाँ वापस आकर फिर पत्ती बना लेते हैं जैसे उधर बनाई है। फिर से यहाँ पर पत्ती बना लेंगे। जो हमने सेंटर में लाइन लगाई है यहाँ तक हम जो है वो पत्ती का डिजाइन बनेगा पूरा। एक पत्ती का इधर डिजाइन बनेगी, एक पत्ती का उधर बनेगा। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
ऐसे हम ऊपर तक जो है वो पत्तियाँ बना लेते हैं। यहाँ भी एक छोटी सी जो है पत्ती बना लेते हैं पहले। यहाँ ऊपर आकर जो हमने बीच में हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे सिलाई के ऊपर, अब हमने स्क्रोल बनाए हैं। अब हम यहाँ पर स्क्रोल बना लेते हैं, स्क्रोल के साथ स्क्रोल। अब इस तरह हम जो पूरी जगह है स्क्रोल से भर लेंगे। जो हमने स्क्रोल लगा लिए हैं और ये हमारा पोंछा जो बनकर तैयार हो गया है। आप कमेंट बॉक्स से मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह हम जो है दूसरा पोंछा भी बना लेंगे। जो हमने दूसरा पोंछा बना लिया है और कितना खूबसूरत प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।